जय हिंद इस वीडियो में हम लोग मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स है उसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम के समय आप इस तरह से अगर नोट्स को रिवाइज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय बचेगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादातर टॉपिक को आप टच कर पाएंगे ये सारे जो नोट्स मैंने बनाया है ये एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा थोड़ा सा देख कमेंट मत कीजिएगा मैं चाहूंगा पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा और ये देखने के बाद आप बोलिएगा बिल्कुल यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं हाँ वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मैं चाहूँगा आप वीडियो को जो है स्पीड में देखें यानी कि आप वन पॉइंट एक्स में देखिए ठीक है वन पॉइंट एक्स में देखिए सबसे अच्छा रहेगा तो वीडियो आपको स्लो नहीं लगेगा तो चलिए रिवीजन करते हैं आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया सेम इसी तरह से आप आप तो वीडियो को पॉज कर, कर के, या फिर इसकी के आप नोट्स बना सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट होगा आपको रिवीजन करने के लिए ठीक है देखिए सबसे पहले क्या है भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने किया था तो दादा भाई नरोजी ने किया था कब किया था अठारह में कहा पे किया था तो इंग्लैंड में आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चंस बनते एग्जाम में वही बात करें अगर हम लोग 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नरोजी उसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग किए थे ठीक है सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का मांग किसने किया था तो दादा भाई नरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में जो कि 1906 में हुआ था ठीक है स्वराज्य बार अब देखिए यहाँ पे स्वराज्य की मांग किया गया था और स्वराज्य स्रा... शब्द का पहली बार किसने उपयोग किया था तो सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किया था यह भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का किसने किया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और स्वराज्य की मांग कब किया गया था तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ठीक है अब देखिए 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहां पे हुआ था तो सूरत में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे राज बिहारी बोस थे और यहां पे आपको गरम दल नरम दल दो भागों में बट गया था कांग्रेस ठीक है याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में बट गया था तो आपको बताना उन्नीस के अधिवेशन में कहां पे हुआ था तो सूरत में हुआ था अध्यक्ष कौन थे तो राज बिहारी बोस थे ठीक है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बाद में हम लोग यहाँ पे साइंस भी टच करने वाले हैं मतलब आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें आपको जीके जी साइंस सब कुछ आ जाएगा 1906 में अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था कोलकाता में हुआ था ठीक है इंडियन होम रूल सोसाइटी जिसका आपको कहां पे 1905 में लंदन में किसने स्थापन किया था तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था ठीक है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था कहां पे लंदन में याद रखिएगा कब किया था 1905 में ये क्वेश्चन बनता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी आई क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था तो गांधी जी ने दिया था देखिए कई लोग गांधी जी के बारे में तो बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था गांधी जी ने दिया था डायरेक्ट आपको बस इतना याद रखना है याद बिन तुगलक, जिसको हम लोग स्वप्नशील पागल रक्त पिता ये सब के नाम से भी जानते हैं अमीर एक को ही कृषि के लिए किसे जाना जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने उन्नीस तेरह में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी ठीक है फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था बीबीए क्वेश्चन है याद रखिएगा एकदम बीबीए क्वेश्चन है आपसे पूछेगा ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था आपको बताना है फिरोज तुगलक तुगलक वंश अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था भारतीय सुधार समिति Uh, का स्थापना किसने किया था दादा भाई नरोजी ने किया था कितने में अठारह में कहाँ पे तो इंग्लैंड में भी क्वेश्चन है याद रखेगा ठीक है एकदम देखिए टू द पॉइंट मैंने नोट्स बनाया आप भी चाहे तो इस तरह से नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम के समय रिविजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है आप इसी वीडियो को अभी आप वन पॉइंट में देखिए और फिर जब एग्जाम के समय एक बार टू में भी देख के रिवीज़न कर लीजिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसके अध्यक्ष कौन थे दादा बनर्जी ने स्वराज जी की मांग किया था स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1907 में देखिए जो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था तो सबसे पहले सूरत में हुआ था ठीक है और आपको राज बिहारी बोस थे उनका अध्यक्ष ठीक है उसके बाद गर्म दल दल नरम दल में दो में बैठ गया था और ये गर्म दल नरम दल जो दो इसमें बटा था ये लोग कब ये हुआ था तो उन्नीस का अधिवेशन में ठीक है 1916 का उन्नीस सौ का अधिवेशन में ये दोनों फिर एक हो गए थे हम लोग पढ़ेंगे आगे ठीक है ये लगता रिपीट हो गया कोई नहीं अब देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था तो एक अगस्त 1920 को हुआ था चौड़ी चौराखंड कब हुआ था पांच फरवरी 1922 को हुआ था साइमन कमीशन भारत कब आया था डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे साइमन कमीशन कब भारत आया तो आपको बताना तीन फरवरी उन्नीस को और आपको पता होगा साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसी का नारा लगा रहे थे लाल पर ला लाला लाजपत राय जो बोल रहे थे साइमन गो बैक उसी में उन लाठी चार्ज में उनका चोट लगने की वजह से मृत्यु भी हो गया था ये याद रखिएगा अखिल भारतीय भारतीय संघ अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना कब हुआ था 1926 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था मई 1934 में क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था तो आपको पता होगा ग्यारह मार्च 1942 को याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है कब वापस लिया गया था तो ग्यारह अप्रैल 1942 को ठीक है क्रिप्स प्रस्ताव लागू हुआ था आपको जो है ग्यारह मार्च को और वापस ले लिया गया था ग्यारह अप्रैल को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था लेकिन इसका जो घोषणा हुआ था वो 8 अगस्त को हुआ था याद रखिएगा ठीक है और 1942 में इसका 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुआ था लेकिन 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय राय कौन थे तो यहाँ पे थे लॉर्ड सॉरी लिनलिथ गो ठीक है याद रखिएगा लिनलिथ गो ठीक है ये याद रखिएगा मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने उन्नीस में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी देखिए खिलाफत आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने सुरुआता, कब शुरुआत हुआ था तो सौ उन्नीस में शुरुआत किया था तो कि मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली ने मिलकर आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई याद रखिएगा वी क्वेश्चन है ठीक है आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है मैकिया को कहा जाता है अब हम लोग देख लेते हैं कि किससे जैसे हम लोग का जो संविधान है ना तो आपको पता होगा संविधान जो है विभिन्न विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ लेकर बनाया गया तो यहाँ पे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया एकदम एक क्वेश्चन है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, ले या फिर आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शासन प्रणाली जो किससे लिया गया था ब्रिटेन से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार ये भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है वहीं पर अगर हम लोग बात करें मंत्रिमंडल प्रणाली तो ब्रिटेन से लेख ब्रिटेन से जो है हम लिया गया ठीक है ऑस्ट्रेलिया तो से क्या क्या लिया गया तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भी भी है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किससे लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसका आर्टिकल 108 आर्ट है कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपको बस याद रखना है व्यापार वाणिज्य ये जहां भी दिख गया ना क्वेश्चन में सीधा आप ऑस्ट्रेलिया टिक कीजिएगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया से अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा कि हम लोग का जो भाग आठ है ठीक है भाग आठ में क्या है बाईस लैंग्वेज दिया हुआ है टोटल बाईस लैंग्वेज दिया हुआ है तो सबसे पहले जब संविधान बना था उसमें बाईस लैंग्वेज नहीं था ठीक है देखिए उन्नीस में इक्कीसवां संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया था ठीक है याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिंधी को कब जोड़ा गया था तो आपको बताना है इक्कीसवां संशोधन के द्वारा उन्नीस में अब अगर बात करें हम लोग तो उन्नीस में इकहत्तरवां संशोधन के द्वारा कोंकनी मणिपुर नेपाली को जोड़ा गया था आप ऐसे याद रख सकते हैं नमक कई लोग ऐसे ट्रिक याद करते हैं ठीक है ने से नौ से हो जाएगा नेपाली मौ से हो जाएगा मणिपुरी कौ से हो जाएगा कंकनी इसको उन्नीस में जोड़ा गया था टोटल तो जो था पहले चौदह भाषा था फिर एक आपको उन्नीस सौ इक्कीस संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया फिर आपको इकहत्तरवां संशोधन से तीन और जोड़ा गया उसके बाद 2003 में बिरानवे संशोधन के द्वारा मैथिली संथाली डोगरी और बोडो को जोड़ा गया तो चार अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं देखिए कितना हो जाता है तो टोटल बाईस हो जाता है ठीक है तो अभी वर्तमान में भाषा कितना है बाईस लैंग्वेज है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा देखिए जो भी ये नोट्स है ना मेरे द्वारा बनाया गया एकदम सिलेक्टेड नोट्स है अगर आप पूरा ये वीडियो देख लेते हैं पूरा ये नोट्स को पढ़ लेते लगभग आपका 10 से 15 नंबर यहाँ से इसी वीडियो से आ जाएगा आपको बाहर नहीं जाना होगा दसवीं अनुसूची का बात करें तो बिरानवे संशोधन द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया था ये आपको दल बदल से अभी हम लोग टोटल जो है कितना बारह अनुसूची है ना टोटल अभी हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे अनुसूची में देखिए आपको है, याद रखिएगा और ये अगर बारहवीं अनुसूची का बात करें चौतरवा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था उन्नीस में जोड़ा गया, गया था ये आपको आपको नगर पंचायत यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए जोड़ा गया था इसमें कितना विषय है तो इसमें टोटल अठारह विषय है ठीक है चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं आपको लग रहा होगा अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आपसे रिक्वेस्ट है अब देखिए यहाँ पे अगर मौलिक अधिकार की हम लोग बात करें मौलिक अधिकार आपसे पूछता है तो अनुच्छेद बारह से पैतीस तक है भाग तीन में ठीक है वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार जैसे समता या समानता का मौलिक अधिकार किस में है तो आपको चौदह से अठारह आर्टिकल में है ठीक है ये आर्टिकल है चौदह से अठारह के बीच में है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है शोषण के विरुद्ध अधिकार तेईस से इक्कीस अनु, में है ठीक है है आर्टिकल में है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 आर्टिकल में है संस्कृत और शिक्षा का आपको 29 से 30 आर्टिकल में है और संविधानिक उपचारों का तो 32 32 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है 32 आर्टिकल अगर आपका मौलिक जो अधिकार है उसका कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल बत्तीस के तहत जो है अपना पे बोल सकते हैं और इसमें जो है सुप्रीम और अगर वही कोर्ट का बात करें तो ठीक है, है राज्य के तहत निर्देशक तत्व सिद्धांत डीपीएसपी छत्तीस में याद रखेगा को का जनक का जाता है। ये आपको डायरेक्ट रेलवे का एग्जाम पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हो रेलवे के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है कहा जाता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था बहु केफला ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था बिंदुसार था जिसको हम लोग अमित्र घात भी बोलते हैं मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था किसके साथ तो कौटल्या जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं ठीक है चाणक्य भी बोलते हैं उसके साथ मिलकर किया था चंद्रगुप्त मौर्य और अगर यही आपसे सवाल पूछ ले कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो आपको बताना है बृहदत्त था ठीक है बृहदत्त था बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग उसने ही इसको मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी देखिए यहाँ लिखा हुआ है भरूत शुंग का स्नेमाण किसने किया था पुष्यमित्र शुंग तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना ये आपको मौर्य जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त इसका ही सेनापति था और इसी को बृहदत्त को मार के शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ठीक है याद रखिएगा याद रहेगा और आपको पता होगा जो राजा अशोक है अशोक किससे बिलोंग करते हैं तो ये मौर्य साम्राज्य से ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे इसका बेटा था बिंदुसार बिंदुसार का बेटा आपको था अशोक ठीक है अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद क्या अपना लिया था तो बौद्ध धर्म अपना लिया था ठीक है बौद्ध धर्म समझ में आ रहा है और बौद्ध धर्म जो है आगे चल के आपको जो है हीन यान और महायान में टूट गया था ठीक है हीन यान और महायान में टूट गया था याद रखिएगा हीन यान और महायान में जो तो हीन यान वाले लोग थे वो लोग मूर्ति पूजन नहीं करते थे ये लोग मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं करते थे और जो महायान थे ये लोग मूर्ति पूजन पे विश्वास करते थे ठीक है देखते हैं। अब बारह से पैतीस अनुच्छेद में, भाग तीन में है। का बात तो छत्तीस से को तो आयरलैंड से लिया गया ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपको एग्जाम में फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी एक ही होता है जिसको हम लोग अरस्तु बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी ये आपको लीनियस ठीक है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोजी टेक्सोनॉमी कौन है लीनियस पांच जगत प्रणाली किसने दिया था विटिकर ने दिया था कब दिया था उन्नीस में दिया था याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपसे साल भी पूछ लिया जाता है जैसे बीपीएससी वगैरह में जो भी हम लोग टीआरई का एग्जाम देने वाले हैं आप लोग तो उसमें भी आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट ईयर भी पूछ लिया था है, किस साल में ठीक है तो विटिकर याद रखिएगा विटिकर तो इसमें पांच जगह कौन कौन है मोनेरा है पोर्टिस्टा है पादप है कवक है जंतु है ठीक है और हम लोग जो आते हैं ह्यूमन बींग्स जो आता है ये जंतु एनिमल किंगडम में भी आता है याद रखिएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना अठारह में हुआ था मद्रास नेटिव सोसाइटी एसोसिएशन का स्थापना पंद्रह सौ में हुआ था ऊना सार्वजनिक सभा का स्थापना अठारह में हुआ था इंडियन एसोसिएशन का स्थापना अठारह में हुआ था ये सब जो है ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है इसलिए याद रखिएगा इसको बार 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 रिवीज़न कीजिएगा मतलब एक बार पढ़ने से या देखने से याद नहीं होगा आपको इसको बार 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 पढ़ना होगा इसलिए मैंने ये सारे को नोट्स बना के एक कॉपी है मेरा जिसको बार बार रिवीज़न किया जाता है ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो आप ये सारे नोट्स देख लीजिए यहां से आपको दस से पंद्रह क्वेश्चन इजी आ जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे द्वारका टैगोर थे चलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अठारह सो का जो हो गया आपको पता होगा अठारह में इसका स्थापना हुआ था कहां पे हुआ था लंदन में किसने किया था दादा भाई नेहरू जी ने किया था ठीक है दादा भाई नेहरू जी ने मद्रास महाजन सभा का स्थापना अठारह में किया गया था बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अठारह में और यहाँ पर कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस का पता होगा अठारह में और इसमें कौन था डरिन ठीक है था आप ऐसे याद रख सकते हैं डफर लो मिल कांग्रेस का स्थापना किया था बस जस्ट ठीक है याद करने के लिए सुरक्षा का पार्ट का बात करें जिसको हम लोग सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बोलते हैं किसने दिया था बी क्वेश्चन है याद रखेगा वी क्वेश्चन है ये लाला लाजपत राय ने दिया था ठीक है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सुरक्षा का पार्ट का मतलब सुरक्षा का पार्ट हिंदी बोलते हैं इंग्लिश में सेफ्टी वॉल बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पटावी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया है हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम ये एनिवेशन के द्वारा लिखा गया है इंडियन कि, टुडे किस इंडिया टुडे किसने लिखा है तो आर पी दत्त ने लिखा है और अठारह क्रांति के बारे में जो बुक है अठारह किसने लिखा है एस एन सेन ने लिखा है एस एन सेन ने लिखा है ये जो चारों बुक है ना किसी ने किसी एग्जाम में आया हुआ है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे मैंशन किया है अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ठीक है यहाँ पे अगर देखते देखिए तो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे अगर देखे तो सोयाबीन और मूंगफली जो है ये खरीफ फसल है ठीक है सोयाबीन और मूंगफली क्या है ये खरीफ फसल है इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दे तो शायद आपको अच्छा होगा देखने में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है ठीक है आई होप आपको अब आप दिख रहा होगा चलिए ठीक है ठीक सोयाबीन और मूंगफली क्या खरीफ फसल है फसल आपको पता होगा मेनली आपको दो तरह ऐसे तो तीन में बांटा गया एक जायद भी होता है लेकिन मेन तीन दो याद रखना जहां से क्वेश्चन बनता है एक आपको खरीफ फसल दूसरा होता है रवी फसल खरीफ फसल का जो सीजन होता है वो जून से सेप्टेम्बर होता है और रवि फसल का जो होता है अक्टूबर से मार्च होता है खरीफ फसल जो होता है जून से सितंबर होता है ठीक है जो जो इसमें बारिश वरिश ज़्यादा चाहिए होता है इसमें बारिश वगैरह ज्यादा होता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से जैसे खरीफ में खरीफ है ना तो आप सोच सकते हैं बाढ़ से खराब हो जाता है बाढ़ से खराब हो जाता है बाढ़ से रिलेटेड आप पानी आ गया खरीफ से आपको खराब आ गया तो खरीफ जो होता है बाढ़ के जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है धान तो आपको पता होगा धान की खेती में बारिश ज्यादा चाहिए होता है पानी ज़्यादा चाहिए होता है मक्का हो गया सोयाबीन हो गया मूंगफली हो गया कपास हो गया अरहर हो गया इसको अरहर कर लीजिए अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा एक आपको सोयाबीन से बनता है मूंगफली से बनता है और अरहर से बनता है अरहर से कम मिलेगा लेकिन ये सोयाबीन और मूंगफली से ज़्यादा बनता है और इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसमें हम लोग जल्दी ये पता नहीं कर पाते कि रबी है खरीफ है इसलिए इसको देखिए आप साइड में लिखें सोयाबीन और मूँगफली क्या है आपको खरीफ फसल है सोयाबीन और मूंगफली क्या है खरीफ फसल आप इसको कैसे याद रख सकते हैं देखिए सोयाबीन का सब्जी हम लोग खाते हैं अगर आप सोयाबीन सब्जी और मूंगफली का सब्जी मिलाकर बनाएंगे तो खराब लगेगा खाने में तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं ठीक है ठीके? ये बात जो मैं आपको बोला हूँ ये इसको दो तीन बार बोल लेते हैं ना तो आपको आ, आपको जो है ना दिमाग में बैठ जाता है एग्जाम के समय तुरंत आपको क्लिक करेगा भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था उन्नीस में रवि फसल देख लीजिए अक्टूबर से मार्च में होता है एक्चुअली ये ठंडी का है ठीक है शीत ऋतु का है इसका एग्जाम्पल क्या है गेहूँ है चना है मटर है सरसों है अलसी है याद रखिएगा सरसों का साग हम लोग खाते हैं ठंडा में है ना सरसों का जो फूल भी हो जाता है ठंडा में याद रखिएगा मटर भी हो जाता है चना भी होता है और गेहूँ भी होता है ये सब क्या है रबी फसल है और आपको खरीफ फसल है आपको बेसिकली दो पे ज्यादा ध्यान देना है एक सोयाबीन और मूंगफली पे सोयाबीन और मूंगफली का सब्जी बना के जब हम लोग खाते हैं तो खराब हो जाता है ठीक है और खरीफ फसल कैसे याद रखिएगा कि वो जून से सितंबर में है? वैसे रखिएगा जब ज्यादा बाढ़ यानी कि ज्यादा बाढ़ आता है ज्यादा बारिश हो जाए तो खराब हो जाता है कोई भी चीज फसल खराब हो जाता है तो खरीफ फसल से बारिश से याद रख सकती है चलिए प्रोटोन की संख्या क्या होता है देखिए आपको पता होगा कि जो ये एटम होता है इसमें आपको जो बीच में होता है प्रोटोन होता है और आपको न्यूट्रॉन होता है प्रोटोन में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो, तो प्रोटोनों की संख्या जो होता है उसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं टोटल ठीक है प्रोटोन की संख्या को पी से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को आपको क्या सॉरी न्यूट्रॉन को एन से तो, तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तब हम लोग का द्रव्यमान संख्या आता है ठीक है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं याद रखिएगा प्रोटोन और न्यूट्रोनों की कुल संख्या का योग जो होता है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं अगर जैसे मान लीजिए ये प्रोटोन है न्यूट्रॉन है इसको जोड़ लेते हैं तो हम लोग का एटोमिक मास आ जाता है ठीक है एटोमिक मास जिसको हम लोग दरम्यान संख्या बोलते हैं समस्थानिक क्या होता है दो पॉइंट होता है एक समभार होता है एक समस्थानिक होता है समस्थानिक में क्या होगा ना परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन दरव्यान संख्या अलग अलग, अलग रहेगा वहीं पर अगर हम लोग समभार का बोलेंगे तो उसमें दरम्यान संख्या क्या रहेगा समान रहेगा और परमाणु संख्या भी रहेगा ठीक है आप याद कैसे रख सकते हैं देखिए भार समभार यानी कि भार समान रहेगा भार मतलब तो ऐसे करके आप ट्रिक्स रख सकते हैं याद के जो रासायन गुण होता है वो समान है लेकिन उसका भौतिक गुण अलग अलग होता है देखिए एक होता है आपको, आपको केमिकल मतलब के और एक होता है आपको, तो तो आपको पता है जो होता उसका जैसे रंग रूप ये सब हो गया आपको भौतिक गुण हो गया और रासायनिक जो उसका अंदर का क्वालिटी वगैरह होता है उसको हम लोग रासायनिक गुण बोलते हैं अब देखिए यहां समभारिक आ गया समिक में हम क्या बोले थे भार यानी कि द्रव्यमान समान रहेगा द्रव्यमान बस तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है तो इसे याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्रोमोसोम किससे बना होता है कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है क्रोमोसोम किससे बना होता है तो आपको बताना है डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है ठीक है क्रोमोशम किससे बना होता है तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है अब देखिए ये वाला जो है ना एकदम भी वी आई है, याद रखिएगा भी वी आई क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में बनता है चाहे किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए आप एसएससी दीजिए रेलवे दीजिए बीपीएससी पी दीजिए या फिर आप समता परीक्षा दीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जैसे देखिए आपको लिटमस पता होता है लिटमस एक होता है एसिड और एक होता है बेस आपको पता होगा एसिड बेस क्या होता है एसिड क्या होता है आपको खट्टा होता है और अम्ल होता है और बेस क्या छारी होता है इसका टेस्ट क्या होता है कर्वा होता है लेकिन हम लोग बहुत सारा ऐसा भी केमिकल पदार्थ होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे मतलब डायरेक्ट चख के नहीं बता सकते वो कड़वा है या या खट्टा है तो उसके लिए हम लोग अपना जो है ये सब रखे हैं जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं जैसे ये लिटमस हो गया टर्मरिक हो गया चाइना रोज हो गया फेनोल्फीन हो गया फेनोलतीन उसके बाद मिथाइल ऑरेंज हो गया तो देखिये एसिड आपको एक ट्रिक याद रखिएगा जैसे यहाँ पे लिखिए ए यहाँ ए लिखे यहाँ बी लिख दीजिए ए बी लिखे अब यहाँ ए लिखे तो यहाँ बी लिख दीजिए अब ए बी आर यहाँ बी लिखे तो आर पी लिख दीजिए ठीक है लिखने का तरीका भी समझ लीजिए आपको याद नहीं रहेगा सबसे पहले तो ए आता है उसके बाद बी आता है ए, आ आ आ ए है तो बी आ गया उसके बाद आर ही आएगा यहाँ ए है तो यहाँ बी आएगा जब यहाँ बी आ गया तो यहाँ आर आएगा यहाँ बी आएगा अब देखिए क्यों लिखे तो ये ए है ये एसिड है ये क्या है ये एसिड है और ये बी क्या है ये बेस है ठीक है ये बेस है एसिड क्या करता है जो ब्लू है उसको रेड कर देता है एसिड ब्लू को रेड कर देता है ठीक है और ये जो बेस है ये रेड को क्या करता है ब्लू कर देता है ये रेड को क्या करता है ब्लू कर देता है ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा कभी आप नहीं भूलिएगा तो लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस पेपर को देखिए ब्लू लिटमस पेपर अगर लेते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं अगर वो रेड हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाता है तो वो क्या है एसिड है अगर वही रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो वो क्या है बेस है ठीक है और टर्मरिक यानी कि हल्दी का बात करेंगे हल्दी जैसे मान लीजिए यहाँ पर हल्दी है इसके ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे तो यहाँ पर नो चेंज होगा क्या होगा नो चेंज होगा सीड में नो चेंज होगा देखें लिखा हुआ वही अगर आप अगर आप बेस डालेंगे यहाँ पे बेस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेड कलर हो जाएगा ठीक है रेड कलर हो जाता है अच्छा इसका आप इस तरह से भी आप अगर आप इसको याद करना चाहें जैसे कई बार खाते समय ना हम लोग के कपड़ा में क्या होता है कि तेल मसाला लग जाता है सब्जी वगैरह लग जाता है फिर जब उसको हम लोग धोते हैं तो उसमें जब साबुन लगाते हैं तो वो हल्का कैसा हो जाता है वो फिर क्या हो जाता है आपको पूरा लाल हो जाता है ठीक है क्यों लाल होता है आपको पता है जो साबुन होता है जो हम लोग का कपड़े धोने का साबुन या सर्फ होता है वो बेस होता है यानी कि बेसिक होता है वो इसीलिए बेस डालने से ना लाल हो जाता है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको मेमोराइज करके चाइना रोज क्या करता है एसिड में अगर चाइना रोज में एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक सो देगा और, और यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा और बेस अगर डालेगा तो ग्रीन हो जाएगा अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्रीन वाला है ये भूल जाता है स्टूडेंट बच्चा और यही आपको एग्जाम में पूछता है कि चाइना रोज में जब हम लोग बेसिक डालेंगे तो क्या होगा तो वो ग्रीन कलर देगा हरा रंग देगा अच्छा पेनोल फैथलिन फे, का बात करेंगे तो ये कलरलेस होता है किसमें एसिड में और ये बेस में पिंक हो जाता है ठीक है मतलब पिंक कलर शो करता है वहीं मिथाइल ऑरेंज का बात करेंगे तो एसिड में ये रेड हो जाएगा और येलो में पेश में ये, ये येलो हो जाएगा समझ में आया काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है जीव द्रव्य क्या होता है देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्र को जो मिलाकर कोशिका द्रव्य केंद्र को मिलाकर हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं प्रो कैरियोटिक और यू कैरेटिक देखो सेल जो होता है कोशिका जो होता है एक्चुअली में दो तरह का होता है एक होता है प्रो कैरियोटिक एक यू कैरेटिक इसको दो तरह में हम लोग बांट सकते हैं जो प्रो कैरियोटिक होता है वो आपको जो होता है उसमें जो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है ठीक है केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं होगा और जो यू कैरियोटिक होगा वो केंद्रक झिल्ली होगा अच्छा आप इसको जो है ना आप अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं जैसे ये प्रो कैरियोटिक है ना प्रो कैरियोटिक में आप याद रखिएगा ये बहुत पुराना सेल को माना जाता है और ये जो है ना ये आपको ज्यादा इसमें कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें बहुत ही कम होगा ठीक है और ये यूनि का यूनिसेल जो एक कोसी होता है उसमें पाया जाता है वो होता है प्रो यूकैरियोटिक आपको पूरा डेवलप होगा अच्छे से उसमें सब कुछ होगा आपको माइट्रोकोन्डिया केंद्रक झिल्ली वगैरह वगैरह सब कुछ होता है उसमें यूकैरियोटिक आपको याद रखिएगा उसमें केंद्रक झिल्ली होता है प्रो में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है ठीक है वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे जीव द्रव्य था, था, बनाते, है, बनाते, है, है, तो बनाते हैं मिलकर क्या बनाता है और ऑप्शन में था जीव द्रव्य था माइटोगंडिया था और भी दो चार ऑप्शन था कन्फ्यूज करने के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा जीव द्रव्य हो जाएगा वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है याद रखिएगा वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है ठीक है याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वीवीआई ये सारे जो टॉपिक है ना मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारे जो लिखा हुआ यहाँ पे पॉइंट सारे आपके एग्जाम पॉइंट है इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम कोशिका को की आत्मघात मतलब आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम जैसे आपको पता होगा लाइसोसोम इसको याद करने का देखिए ट्रिक कितना अच्छा है लाइसोसोम को ना आपको सुसाइड बैग ही कह जाते हैं कह, कहते हैं इसको याद रखिएगा लाइसोसाइड लाइसो लाइसोड ऐसे लाइसो, दो चार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा लाइसो लाइसोड लाइसो सोसाइड लाइसो, तो लाइसो सोम क्या करता है सुसाइड बैग इसको बोल सकता है या आत्ती की थैली भी बोलते हैं ठीक है चलिए याद हो गया आपको आप भी दो चार बार बोल लीजिए वहीं अगर माइटो का बोलेंगे तो माइटो को क्या बोला जाता है माइटोकोंडिया को पावर हाउस बोला जाता है पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकोंडिया को बिजली घर यानी कि पावर हाउस बोलते हैं

वहीं बात करेंगे पैरन कायमा उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके वजह से क्या होता है पत्ते का कलर क्या होता है ग्रीन होता है याद रखिएगा रह और रही क्लोरोफिल जो है आपको मदद करता है फोटो में ठीक है फोटोसेंथिस में स्केलेर कायमा उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है ठीक है स्केलेर कायमा उत्तक पौधे को जो ये जो उत्तक है, इसके, इसके कायमा उत्तक जो है ये पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है एक होता है आपको कॉलेन कायमा कॉलेन कायमा ठीक है कॉलेन क्या क्या करता है पौधे को लचील बनाता है लचीला बनाता है सॉरी लचीला बनाता है अब देखिए कैसे याद रखिएगा कॉले डोले कॉले डोले ऐसे याद रखिएगा कले डोले कॉले डोले डोले मतलब क्या होगा लचीला है जैसे मान लीजिए जो प्लांट्स होता है जो प्लांट्स का ये जो आपको ये जो तना वाला पा पार्ट होता है देखिएगा पेड़ पौधा आता है तो ये हिलता डुलता है अगर ये खिलेगा डूलेगा नहीं मतलब ये लचीला नहीं होगा तो ये टूट जाएगा तो इसको लचीला कौन सा तक बनाता है तो कॉलिन खाय बनाता है तो याद कैसे रखिएगा कले डोले कॉले डोले मतलब यह आपको डोलता है तो कॉलिन लचीला है लचीला से मतलब क्या हो जाएगा वो कॉलिन खाय में जहां भी जो ट्रिक होगा जो मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको याद भी होता जाए तो सारे वीडियो को देखिएगा यकीन मानिए वीडियो खत्म होते होते आपको लगे बहुत सारा कॉन्फिडेंट फील होगा आपको और एग्जाम के समय में ना ये बेस्ट वीडियो होगा मेरे ख्याल से जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण है अभी हम लोग आगे देखें एक होता है सरल अस्थाई उत्तक उत्तक एक होता है जटिल अस्थाई उत्तक तो ये आपको जटिल उत्तक है जाइलम और फ्लोएम देखिए अब इसमें भी आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जाइलम लिखिए और यहां पे फ्लोएम लिखिए ये दोनों से क्वेश्चन अगर नहीं बना तो फिर बोलिएगा आपके एग्जाम में जाइलम में देखिए जल जौल और जल है ना तो इसका मतलब ये जल परिवहन करता है मतलब क्या करता है ये जल को लेकर आता जाता है अब जैसे मान लीजिए ये प्लांट्स हैं ये यहाँ पे पेड़ है ये प्लांट्स है ठीक है ठीके? और ये जो प्लांट्स है तो ये जो आपको पता होगा जो जो पादप होता है जो पौधा होता है वो जल कैसे लेता है जल आप पानी में डालते हैं पानी में यहाँ पे डालते हैं डल जल तभी ये इससे जल लेता है जो जड़ होता है ना उससे जड़ लेता है अब ये जड़ जो जल जो लेगा पानी जो लेगा ये कहाँ लेके जाएगा तो ऊपर लेके जाएगा तो ये होता है मतलब एक ही एक दिशा में ये काम करता है कौन ये जाइलम ये एक दिशा में काम करता है ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में याद रखिएगा यूनि डायरेक्शन होता है ठीक है और जल लेके जाता है तो याद हो गया आपको दो चीज याद हो गया और बचा फ्लोएम फ्लोएम में देखिए फल है फल क्या चीज है खाद्य पदार्थ है खाने क्या चीज पत्तियां है वो जो फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट्स बनाता है जो खाना बनाता है पौधे के लिए वो वो क्या आपको देखिए जैसे मान लीजिए एक पत्ता यहाँ पर है इस जगह पे ये जो खाना बनाएगा तो ये नीचे भी लेके जाएगा ये इधर भी लेके जाएगा और ये इधर भी लेके जाएगा ये मतलब सभी डायरेक्शन मतलब आप याद रखिएगा ये दो डायरेक्शन में काम करता है ठीक है कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए तो जालम फ्लोएम समझ में आ गया बस यही क्वेश्चन पूछता है जालम फ्लोएम से ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा नारियल का जो रेशा है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है जो नारियल का रेशा होता है वो किस उत्तक का बना होता है तो इसके लिए कायमा का बना होता है क्यों क्योंकि वो कठोर करता है इसका काम है कठोर करना ये उत्तक क्या करता है कठोर करता है अच्छा रक्त कैसा उत्तक है तो ये संयोजी उत्तक है ठीक है रक्त हो गया हड्डी हो गया उपास्थी हो गया ये सब संयोजी उत्तक है एफिथेली उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं अभी हम लोग देखेंगे रक्त के बारे में प्लाज्मा में प्रोटीन नमक तथा हार्मोन भी होते हैं याद रखिएगा प्लाज्मा में क्या क्या होता है प्रोटीन होगा नमक होगा उसके बाद हार्मोन भी होता है अस्थि भी क्या है संयोजी उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है अस्थि हो गया उसके बाद अभी हम लोग ऊपर देखे ब्लड हो गया ये सब हो गया ब्लड हो गया फिर कार्टिलेस भी हो गया ये सब क्या करता है जो है कनेक्टिव टिश्यू है अस्थायी मतलब संयोजी उत्तक है अब आपको कई बार एक क्वेश्चन पूछेगा जिससे बोन होता है और एक bo, और बोन होता है उसको जोड़ के कौन रखता है इस बोन को जोड़ के कौन रखता है बोन से बोन को कौन जोड़ता है तो लीगामेंट जोड़ता है याद रखिएगा लीगामेंट जिसको हम लोग स्नायु भी बोलते हैं स्नायु ठीक है स्नायु भी बोन टू बोन को और एक होता है आपको बोन को मसल से कौन जोड़ता है बोन को मसल से ठीक है मसल से कौन जोड़ता है बोन को मसल से तो इसको जोड़ेगा आपको टेंडन जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडन और हिंदी में बोलते हैं कंडरा ठीक है याद रखिएगा पॉइंट है ये यह, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है अच्छा याद करने का ट्रिक क्या है इसको आप याद रखिएगा एल बी बी एल बी बी याद रख सकते हैं बीबीएल लिख सकते हैं एल एल बी लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे रख लीजिएगा बोन को बोन से कौन जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है देखिए यहां पर है अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है लिगामेंट जिसको स्नायु बोलते हैं अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है तो टेंडन जोड़ता है इसको कंडरा बोलते हैं अच्छा एक चीज और मैं आपके साथ बताना चाहूंगा जो ये स्नायु है ना कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्नायु पढ़ लेते हैं हिंदी में लिगामेंट नहीं पढ़ते लेकिन एग्जाम में क्या ना इस तरह से लिख के दे दिया जाता है लिगामेंट इस तरह से दिक्कत दे जाता है तो समझ में नहीं आता है कन्फ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को इसलिए आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखने का कोशिश कीजिए बायोलॉजी क्यों टफ लगता है पता है बायोलॉजी बस सिर्फ बोलने सुनने और लिखने में ही टफ लगता है जैसे आपको जो लिगामेंट है लिगामेंट याद रह जाता है किसी को स्नायु याद नहीं रहता है किसी को कंडरा याद रहता है टेंडन याद नहीं रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना उसका जा� हिंदी भी लिख लीजिए जैसे जैसे लिगामेंट है जैसे हम मुझे अच्छे से पता है

भी मतलब वेग हो गया वेग का क्या होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दीजिए मीटर सेकेंड स्क्वायर तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप बल का मात्रा क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं देखिए बल फोर्स का क्या होता है एम ए होता है एम को हम लोग के जी लिखते हैं और ए एक्सलेशन का क्या होता है इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हम लोग इसको अगर ऊपर ले जाएंगे मीटर सेकेंड माइनस टू ब जाएगा ठीक है और इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं याद रखिएगा ठीक है ये न्यूटन ही बोलते हैं इसको बल का मात्रा क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं जी का मात्रा क्या याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है या जी का मात्रा पूछता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर जी का एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है इसको याद रख लीजिएगा ठीक है जी का मान याद रखिएगा ये वाला डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है याद रखिएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री एन टू टेन टू पावर माइनस इलेवन ठीक है और ये जो है ना जी का मान कभी भी नहीं चेंज होता ये यूनिवर्सल होता है वहीं पर अगर बात करेंगे कैपिटल जी है या स्मॉल जी का बात हम लोग अलग करेंगे वो चेंज होता रहता है जी का मान कौन दिया था तो हेनरी ने दिया था ठीक है और ये याद नहीं रखना है कब कब जिंदा हुआ ये जहां पर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं मुझे लगेगा मैं आपके साथ बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी का मान कौन दिया था हेनरी कैवेंडेस ने दिया था ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ठीक है तो याद रखिएगा चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं ये तीन आपको जो है गति का समीकरण है याद रखिएगा ठीक है गति का समीकरण ये तीन याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे भी बराबर होता है यू प्लस ए टी एस बराबर होता है ठीक है वी बराबर होता है यू प्लस ए टी उसके बाद एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वही बात करेंगे वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अब यहाँ पे वी क्या है वेलोसिटी है एस क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस है यू आपको इनिशियल वेग होता है ए एक्सेलरेशन होता है टी क्या होता है टाइम होता है ये याद रखिएगा तीन ठो होता है ये आपको गति का पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा गति का का तीसरे समीकरण समीकरण तीसरा कौन सा है है तो आपको ये बताना है। और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग नोमेरिकल भी बनाते हैं फिजिक्स में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा एक प्ला, प्लाय पलायन वेग भी आपसे पूछता है एग्जाम में पलायन वेग के बारे में पलायन वेग क्या होता है ग्यारह पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड होता है एक सेकेंड में ग्यारह

क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है ये सब याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लिखते हैं सी एच टू उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग के ओ एच लिखते हैं मैग्नीशियम ओ एच टू जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग एन एच फोर ओ एच लिखते हैं अच्छा चीटी का जो डंक होता है जिसको नेटल का डंक भी बोलते हैं एग्जाम में ये आता है तो कन्फ्यूज हो जाता है तो चीटी का डंक या नेटल का ड बोली उसमें मैथोनाइ अम्ल होता है क्या होता है मैथोनइक एसिड होता है और कई बार इसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है ठीक है फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है याद रखिएगा और वहीं पे अगर सेब का बात करेंगे तो सेब में आपको ना ते... ये मैलिक एसिड हो जाता है मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है अच्छा टी में क्या होता है टी में कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है टी में फड़ के नहीं जाते टी में पूछ ले जाते एग्जाम में तो टी में टैनिक एसिड होता है टैनिक एसिड ठीक है अब इसको कैसे याद रखिएगा जब टेंशन होता है तो हम लोग चाय पीते हैं तो टेन से टेंसन चाय पीते हैं टैनिक एसिड ठीक है उसके बाद आपसे फिर अम, और भी पूछता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे अंगूर में केला में इसमें टाटरिकसुड होता है ठीक है टाटरिक एसिड होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड होता है ठीक है ऑक्सलिक ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में ठीक है ऑक्जेलिक हो गया पा, पालक में भी पाया जाता है बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं सी ए ओ याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलेंगे सी ए ओ एस टू कैसे याद रखिएगा देखिए यहाँ पे एच आ गया ना तो आप याद रख सकते हैं इसको मतलब एच से क्या होता है हाइड्रोजन मतलब एच टू ओ एच टू ओ मतलब पानी पानी जिसका मतलब इसको बुझा दिया है तो ये बुझा हुआ चूना हो गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम किसने दिया था लेवाजियर ने दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेगा बीबीआई द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था लेवाजियर ने दिया था भारत के रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है डॉक्टर पी राय को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ठीक है नाइटरेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा गया है भारत के रसायन विज्ञान का पिता तो डॉक्टर पी सी रॉय ये वाला हम लोग देख चुके हैं ये भी देख चुके हैं हाँ और थोड़ा सा हम लोग ना सूची देख लेते हैं महत्वपूर्ण सूची जो आपको अनुसंधान से पूछता जाता है तो जिससे प्रथम अनुसूची में क्या है तो राज्य एवं संघ राज्यों का क्षेत्र है याद रखिएगा यूटी एंड स्टेट है आपको पहला में दूसरा में इतना आपको याद जस नहीं जस्ट याद रखिएगा महालेखा परीक्षा के संबंध में यानी कि आपको पेमेंट के रिलेटेड में ठीक है पेमेंट हो गया और भी सब्सिडी वगैरह हो गया और ये सब दिया जाता है आपको प्रिविलेज वगैरह दिया जाता है दूसरी सूची में तीसरी सूची में बात करेंगे तो शपथ है शपथ जो लेता है औथ जो लिया जाता है उससे रिलेटेड है तीसरी सूची में

मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ठीक है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम देखिए असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और इसमें लद्दाख भी आ जाता है तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए तो अगर लद्दाख रहेगा तो छठी अनुसूची भी आप रखिएगा हालांकि उससे नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि यहाँ पे मिजोरम है ना तो यहाँ पे कुछ और दे देगा नागालैंड दे देगा ठीक है और कुछ दे देता है दे असम हो गया मेघालय त्रिपुरा मिजोरम सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो संघ सूची राज्य सूची में सम्वर्थित सूची में जो बंटवारा होता है जो जैसे शिक्षा किस में जाएगा ठीक है इसमें किस में कौन नियम बनाएगा कानून बनाएगा तो ये देता है सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हम लोग ऊपर अभी देखे थे आठवीं अनुसूची में क्या है लैंग्वेज है टोटल कितना है बाईस लैंग्वेज हम लोग देखे थे आपको बताना चलिए कॉमेंट करके बताइए तो कंकनी जो भाषा है वो कब जोड़ा गया था किस अनु संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ठीक है और पहले जब संविधान में था टोटल कितना भाषा था चौदह था अभी बाईस हो गया है नौवीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है दसवीं अनुसूची में देखिए दसवीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है ये दल बदल से है तो यहां से क्वेश्चन बनता है दल बदल से दसवीं अनुसूची दल बदल से ग्यारवी अनुसूची में हम लोग देखे थे ग्यारहवीं अनुसूची क्या था आपको पंचायतों से रिलेटेड था जिसमें टोटल कितना विषय है हम लोग देखे थे ना उनतीस विषय है सबसे पहला फेज में था ना ये यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इसमें टोटल उनतीस विषय है यहाँ पे देख सकते हैं उनतीस विषय है और उसमें टोटल कितना है अठारह विषय है तो उनतीस विषय और अठारह विषय आपको याद रखना है ठीक है ना पंचायत से बोलेगा तो इसमें आपको इसमें उनतीस विषय है ठीक है और इसमें अठारह विषय ये नगर पालिका से है ये बारहवीं अनुसूची का ये ग्यारहवीं अनुसूची का तो देखिए टोटल जो ट्वेल्थ शेड्यूल था टोटल जो बारह सूची था वो रिवाइज हो चुका है एक्चुअली हैंड रिटर में साफ नहीं था बहुत स्पीड से बहुत शॉर्ट में लिखे थे हम इसलिए सोची कि आपको इससे से याद कर देते हैं अब विटामिन का कुछ नाम होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट विटामिन का नाम तो विटामिन का नाम याद रखना है विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन डी को कैल्सियम बोलते हैं विटामिन ई e को टोको बोलते हैं विटामिन के को फेलोक्यूनियन बोलते हैं विटामिन बी का कुछ भाग है जैसे वन टू थ्री

अच्छा विटामिन ए का जब कमी होता है तो आपको पता होगा थोड़ा सा जो रिले है ना आंखों से रिलेटेड यानी कि रतौंदी वगैरह होने के चांसेस हो है विटामिन ए से और स्कर्वी विटामिन सी का पता हो गया इससे क्या होता है स्कर्वी रोग होता है जैसे मसूर में मसूड़े दांत वगैरह मसूड़ों में खून आने लगता है विटामिन डी से क्या होता है आपको रिकेट्स होता है विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन ई क्या करता है आपको इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है ठीक है ब्यूटी विटामिन याद रखिएगा और विटामिन के आपको पता जो है फेलोक्यूनिन इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा ब्लू वेट्रोयल ग्रीन वेट्रोल ये आप अभी तुरंत लिख लीजिए इसको जस्ट क्योंकि बेकिंग सोडा यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा लिख लीजिए आप इसमें बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं जिसको एन ए एच सी ओ थ्री बोलते हैं ठीक है ठीके? ये हो गया आपको बेकिंग सोडा का वहीं पे वॉशिंग सोडा का बोलेंगे तो एन ए टू सी ओ थ्री सी ओ थ्री टेन एच टू वो बोला जाता है अब देखिए ये दो को याद करने का ट्रिक क्या है जैसे बेकिंग सोडा है ना यानी कि खाने का सोडा हिंदी में क्या बोलेंगे इसको खाने वाला सोडा खाने का सोडा खाने का सोडा तो सोडियम बाई है इसमें बाई लिखा हुआ है तो खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं बाई बोलते किसी को खा लेते हैं तो वैसे बोलते हैं ठीक है बाई चलते हैं तो ऐसे याद रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट जैसे बाई दिखेगा समझ जाइएगा खाना खाने के बाद बाई बोल रहे हैं और यहाँ पे एच दिखा हुआ है एच से क्या होता है आपको हाउ मतलब हाउस ऐसे ये ये ट्रिक आपको काम नहीं करेगा इसको छोड़ दीजिए बस इसको बाई याद रखे उसके बाद था वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं अब यहाँ पे देखिए क्या है कैसे याद रखेंगे दस है ना तो दस बाल्टी से आप क्या कीजिएगा हाँ दस बाल्टी से आप वॉशिंग शोडा है ना तो कपड़ा धोइएगा वॉश कीजिएगा तो दस बाल्टी तो दस दिखेगा समझ जाइएगा ये 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 क्या है? वाशिंग का है? और ये आपको क्या है आप, खाने का है ठीक है 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 का का और आपको खाने ये ठीक दो ये सब से याद करके ही आप एग्जाम में अपना कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं अदरवाइज ये सब केमिकल फार्मूला आ गया ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कौन होगा कौन नहीं होगा ब्लू विट्रॉल जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं टी यू एसओ फोर फाइव एस टू ग्रीन विट्रॉल जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं फ एसओ फोर सेवन एस टू ओ चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट और हम लोग देख लेते हैं टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है गोकाक जलप्रपात गोकाक जलप्रपात हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात हो गया कुंचिकल जलप्रपात हो गया ये कहाँ पर है कर्नाटक में है चित्रकूट जलप्रपात ये आपको छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर है ठीक है, है? दक्षिण पश्चिम मानसून ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का है उत्तरी पूर्वी मानसून उपोषण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है याद रखिएगा ये सब बिहार के सबसे की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर स्पोर्ट है याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीबीआई है एग्जाम में पूछ लेगा आपको ज्योग्राफी सेक्शन में बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपको बताना है सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट है पवना विद्रोह का पवना विद्रोह जो हुआ था वो अठारह से अठारह में हुआ था और ये आपको पवना जगह कहाँ पर है तो बांग्लादेश का सिरार सिराजगंज में है, ठीक है सिराजगंज में और अगर आपको पता होगा कि पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था ये बांग्लादेश पहले क्या था ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान पहले क्या था तो पहले भारत था तो ये भारत जब हुआ था तब ये भारत में ही था मतलब विद्रोह, ठीक है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्य समाज का स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था याद रखिएगा 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी ठीक है 18 फरवरी 1905 को अच्छा मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने दो जो ये पत्र मतलब ये है ठीक है इसको निकाले थे मैगजीन जिसको पूछता है ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि मराठा को मराठा कौन सा लैंग्वेज में था तो इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी कौन सा था तो मराठी लैंग्वेज में था वो अठारह में दोनों का मतलब ये हुआ था प्रकाशित हुआ था ठीक है याद रखिएगा मराठा और केसरी किसका है बाल गंगाधर तिलक का है डफला पहाड़ी मी, मीसी मी, मीसी पहाड़ी उसके बाद मिशमी पहाड़ी अबोर पहाड़ी तथा पटकाई बूम पहाड़ी ये कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में है वहीं तो पर बात करेंगे बाया तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ जैसे गंगा का गंगा आपको पता होगा गंगा से अब क्वेश्चन बनता है गंगा नदी से तो एक होता है आपको बाया में ठीक है मैंने कि सॉरी ही हो, हो गया आपको लेफ्ट और एक हो गया आपको राइट ट्रिब्यूटरी जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं राइट ट्रिब्यूटरी तो यहाँ से पूछेगा आपको बाया कौन है दाया कौन है तो बाया का बात करेंगे तो रामगंगा गोमती घाघड़ा गंडक बागमती कोशी और महानदी महानंदा और वहीं पर अगर दाया तट का हम लोग बात करेंगे तो यमुना सोन कर्मनाशा पुनपुन है ठीक है तो आपसे जैसे पूछ लेगा कि यमुना क्या है तो आपको बताना है ये दाया है दाया ट्रिब्यूटरी है राइट ट्रिब्यूटरी है चलिए अच्छा आप फिजिक्स में पढ़े होंगे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पढ़ते होंगे फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वन बाई एफ बराबर वन बाई भी प्लस वन बाई यू ये होता है दर्पण सूत्र वन बाई एफ बराबर यहाँ पे एफ क्या है ये फोकल लेंथ होता है ठीक है और भी क्या होता है ये प्रतिबिंब दूरी होता है यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूरी होता है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सूत्र लिखा हुआ है यमुना नदी का अगर पूछेंगे दाया ट्रिब्यूटरी कौन है तो चंबल सिंध बेतवा केन और बाया कौन है टोन्स हिंडन सेगर तथा रिंद मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है झारखंड में मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है झारखंड में ये आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी के एग्जाम में ठीक है वहीं पे बात करेंगे भारत का प्रथम बाईसराय लॉर्ड कैनिंग था ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है राजा राम मोहन राय को देखिए किस किस नाम से जाना जाता है आधुनिक भारत का पिता भारतीय राष्ट्रवाद का जनक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक नव जागरण का अग्रदूत ये सारे जो नाम है ये सारे नाम किसका है राजा राम मोहन राय का है तो आप ये याद रखिएगा

चुंबी एवं थुआंग घाटी कहां पर है सिक्किम में है जुकू घाटी कहाँ पर है नागालैंड में है अराकू घाटी कहां पर है आंध्र प्रदेश में है कुंभम घाटी कहां पर है, है? तमिलनाडु में है सांध घाटी कहां पर है केरल में एक बार फिर से देखिए चुंबी और थुआंग घाटी कहां पर है वो सिक्किम में है सिक्किम का कैपिटल क्या है गैंगटोक है सिक्किम का कैपिटल क्या है गैंगटोक है ठीक है जुकू घाटी क्या है नागालैंड में है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है ठीक है कम्बम घाटी तमिलनाडु में है शांत घाटी केरल में है। जिसको हम लोग साइलेंट वैली भी बोलते हैं साइलेंट वैली पार्क याद है पढ़े होंगे आप साइलेंट वैली पार्क ये कहां पर है केरल में है। अच्छा मरखा घाटी नुब्रा घाटी सुरू घाटी जांचकर घाटी ये आपको लद्दाख में है नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में नेवरा घाटी कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में श्वसन तो पिगमेंट जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं जो कि मनुष्य में होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन आरबीसी में इसीलिए जो है आरवीसी का कलर क्या होता है लाल होता है अच्छा आरवीसी का ना सेव पूछ लिया जाता है किस साइज कैसा होता है इसको बाई सेव बाई कॉन केव बोलते हैं बाई कॉन केव यानी कि आपको बाई बाईक ठीक है याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है और ये एक से एक सौ पंद्रह से एक सौ बीस दिन तक जिंदा रहता है आरवीसी अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब देता है अच्छा लेंस अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे दो तरह का लेंस होता है एक होता है इस तरह से ये होता है आपको अवतल लेंस और एक होता है इस तरह से ये होता है उत्तर लेंस ठीक है तो अवतल लेंस होता है ये ये कौन हुआ और ये कौन वेक्स हुआ ये हुआ उत्तर लेंस ये हुआ अवतल लेंस तो अवतल लेंस जो होगा हमेशा याद रखेगा ये इसको बस लिख लीजिए इसको छाप लीजिए रट्टा मार लीजिए ले अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रॉब्लम देगा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रॉब्लम देगा अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं देखिए ये आपको अवतल लेंस हो गया ठीक है तो आपता लेंस जो है यहाँ पर ये यह जैसे मान लीजिए यहाँ से आपतित किरण है ये क्या करेगा यहाँ से फैला देगा ये इस तरह से की करता है ठीक है इसको इसलिए इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं ये क्या करता है इस तरह से इसे बढ़ा देगा ठीक है वहीं पे अगर आप देखें इसी को इस तरह से पीछे ले जाते हैं तो ये मिलता हुआ प्रतीत होता है ना यहाँ पे ऐसे देखेगा तो यहीं पर इसका क्या बनता है इमेज बनेगा इसीलिए जो ये काल्पनिक इमेज देगा हमेशा आभासी इमेज देगा काल्पनिक देगा ठीक है काल्पनिक रियल में तो लाइन नहीं मिला ना इसलिए काल्पनिक देगा दूसरा क्या होता है काल्पनिक इमेज देगा तो हमेशा सीधा भी देगा ये और हमेशा छोटा देगा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा छोटा देगा बस ये ट्रिक याद रखना है और ये ये आपको अवतल लेंस के बारे में अवतल अवतल दर्पण का बात अलग हो रहा है वो फिर किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्थोनोकॉपी क्या है निसेचन के बिना फल का विकास इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थोनोकॉपी फेलेग्रा क्या है यह न्याशिन की कमी से होने वाला बीमारी है न्यासिन की कमी से होने वाला बीमारी क्या फेलेग्रा है वृद्धि में किसी अर्धचालक की प्रतिरोधता क्या होती है तो ये घट जाती है ठीक है विद्युत चुंबकीय तरंग आपको पता होगा विद्युत चुंबक जैसे गामा रे हो गया एक्स रे हो गया यूवी रे हो गया विजिबल रे हो गया और इन्फ्रा हो गया माइक्रोवेव हो गया रेडियो वेव हो गया ठीक है इस तरह से ही आपको और ये वेब के अनुसार ही है मतलब सबसे ज्यादा वेब होगा इसका सॉरी इवन द रेडियो वेव का इधर से होगा ठीक है एक्चुअली इसको ऐसे नीचे कर लीजिए सबसे ज्यादा जो इसका सबसे ज्यादा होगा वेब उसके बाद इसका कम होगा उसके बाद इसका कम होगा उसके बाद इसका उसका बस ये याद रखिएगा मेढक की प्रजाति हाइला दादुर सेलामेंडर ये सब उबेचर है याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये सब क्या है जैसे हाइला हो गया दादुर हो गया सेलामेंडर हो गया ये सब क्या है तो ये सब मेढक का प्रजाति है बस याद रखना है सामान्यतः तो दृश्य वर्ण कम की सीमाएं क्या होती है तो 4000 हजार एंगस्टम से 7000 हजार एंगस्टम याद रखिएगा ठीक है ये सब नोट्स है ना तो आपको डायरेक्ट ही मिलेगा ये सब ऐसा नहीं कि हम लोग क्लासेस कर रहे हैं जो कि एक्सप्लेनेशन हो ठीक है फिटकड़ी को हम लोग पोटेशियम अल्मोनियम भी बोलते हैं ठीक है फिर फिटकरी का दूसरा नाम है पोटेशियम अल्मोनियम कोनिया तोरण का एक मान क्या होता है रेडियन बाई सेकेंड स्क्वायर ठीक है रेडियन बाई सेकेंड स्क्वायर अच्छा कोनिया वे का बोलेंगे तो यहां पे लिखिएगा रेडियन रेडियन बाई सेकेंड याद रखिएगा ठीक है रेडियन बाई सेकेंड वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का तो अवतल दर्पण में देखिए क्या हुआ है केवल काल्पनिक सीधा और छोटा ही बनेगा ठीक है काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे लेंस में ये उल्टा हो जाता है यानी कि अवतल लेंस केवल काल्पनिक सीधा और छोटा बनाएगा लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण केवल उत्तल दर्पण कैसे होता है देखिए आपको इस तरह से बनाते हैं अगर इसी को अंदर में ऐसे से हम लोग कर देते हैं रंग कर देते हैं ये आपको बन जाता है क्या उत्तल दर्पण ठीक है इस तरह से होता है ना इस तरह से रंग कर दे तो ये उत्तल दर्पण बन गया और वहीं पे अगर इस तरह से बाहर से रंग कर दे तो ये अवतल दर्पण बन जाता है ठीक है तो अबतल उत्तल दर्पण कैसा इमेज बनाएगा केवल काल्पनिक सीधा और यहाँ पे छोटा बनाएगा चलिए आदर्श गैस असंपेटनीय एवं गैर्स यान दोनों होता है याद रखिएगा एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है तो अठारह गुना होता है याद रखिएगा ये सब देखिए डेटा डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन से आपको ऐसे ही याद रखना है Scroll, आपको पता होगा इसका समानुपाती होता है हमेशा वोल्टेज का समानुपाती होता है याद रखिएगा है टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा करंट का क्या होता है समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं आवेग बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है बल होता है संवेग में परिवर्तन आवेग होता है और संवेग में परिवर्तन के दर को बल यानी कि एफ बराबर एम ए से दिखाते हैं ठीक है जी का मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है जी का मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा आपको पता होगा हम लोग का जो पृथ्वी है इस तरह से अगर बनाते ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल यहाँ पे हो गया साउथ पोल ये आपको हो गया यहाँ पे जी का मान अगर केंद्र पूछेगा तो हमेशा जीरो होता है और जो ये इक्वेटर है ना ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर क्या होता है जी का मान कम होता है और यहाँ पे जो होता है जी का मान क्या होता है ज्यादा होता है याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है तो जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है ज्यादा होता है पृथ्वी की सतह पर मतलब पृथ्वी की सतह से बात करेंगे तब ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर कम होता है ठीक है भूमध्य रेखा पर कम होता है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं यहाँ पर जी मान कम होगा और केंद्र में शून्य होगा चंद्रमा के सतह पर जी मान क्या होगा तो जो पृथ्वी का जैसे जी मान है उसका उसको छ से डिवाइड कीजिए तो चंद्रमा के सतह का जी मान निकल जाएगा ठीक है हमेशा पृथ्वी से कम ही होने वाला है अच्छा कुछ डेंसिटी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन जैसे पानी का घनत्व क्या होता है तो एक हजार के जी पर मीटर क्यूब पारा का क्या होता है सबसे ज्यादा पारा का होता है तेरह हजार छह सौ के जी पर मीटर क्यूब लोहा का क्या होता है अठहत्तर सौ के जी पर मीटर क्यूब एयर का क्या होता है जी पर मीटर क्यूब बर्फ का नाइन नाइन मतलब नौ सौ नौ सौ के जी पर मीटर क्यूब ठीक है ये आपको घनत्व दिखाता है ये मतलब रोज स्कूल में घनत्व घनत्व क्या होता है मास नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ठीक है मास हमेशा के जी में लेना है वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में लेना है ठीक है मीटर क्यूब समझ में आया आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला याद रखिएगा वस्तु का घनत्व लेने के बाद पानी नीचे हमेशा पानी का घनत्व आएगा पानी का घनत्व क्या होता है एक हजार के जी मीटर क्यूब तो नीचे हमेशा एक हजार ही लीजिएगा और ऊपर आ जाएगा वस्तु का घनत्व इससे आपको क्या हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा ठीक है और इसका यूनिट नहीं होता है याद रखिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे वस्तु का घनत्व है तो घनत्व क्या होगा के जी मीटर क्यूब और यहाँ भी नीचे भी क्या होगा पानी का के जी मीटर क्यूब तो घनत्व यूनिट यूनिट कट जाएगा इसीलिए अपेक्षिक घनत्व का यूनिट नहीं होता है ये भी याद रखिएगा ठीक है चलिए इस तो उतना जरूरी नहीं है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा पैंतीस लगभग पैंतीस डिग्री सेल्सियस होता है और कहीं पे आपको चौंतीस सौ दस दे दे चौंतीस सौ इसके आसपास देगा याद रखिएगा तो आपको टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है रेनिन एंजाइम से होता है जो बच्चा लोग होता है ना उसमें रेनिन एंजाइम ज्यादा होता है फिर जैसे जैसे एज होता है तो रेनिन एंजाइम कम होते चला जाता है इसलिए जो बच्चे लोग होता है वो लोग दूध आसानी से आसानी से पाचन कर सकते हैं तो दूध का पाचन होता है रेनिन एंजाइम से पेप्सिन कहाँ पाया जाता है अमासे में पाया जाता है और यह प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है पैनक्रियाज में पाया जाता है और यह प्रोटीन का पाचन करता है तो so, पेप्सिन याद रखियेगा पेप्सिन एंजाइम प्लस ट्रिप्सिन एंजाइम यह सब क्या करता है यह सब आपको जो है प्रोटीन का पाचन करता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है तो so, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है रेटिना देखिए रेटिना में जो हम लोग का जो हम लोग का आंख होता है ना ठीक है इस तरह से अगर आप सेब बनाते हैं यहाँ से ऐसे करके अगर हम लोग आँख बनाते हैं तो आपको पता हो पता होगा कि जो यहाँ पर ये इस जगह पे ऐसे करके यहाँ पे एक लेंस होता है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा लेंस होता है यहाँ पे आपको उत्तर लेंस होता है और इस जगह में रेटिना होता है यहाँ पे इमेज बनता है तो इमेज कैसा बनेगा तो वास्तविक बनेगा यानी कि रियल बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा ठीक है यहाँ पर उल्टा इमेज बनता है लेकिन हम लोग का जो ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर उल्टा इमेज बना है इसलिए वो सीधा करके देखता है किसी भी कोई चीज़ को हम लोग सीधा करके देखते हैं ठीक है रेटिना और यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जब डो, डोनेट करता है कोई भी तो आंख का कौन सा पार्ट डोनेट करता है तो कॉर्निया पार्ट जो है वो आंख का डोनेट होता है कॉर्निया पार्ट ठीक है कॉर्निया पार्ट हैटाइन जो होता है आपको केटायन इलेक्ट्रॉन से निकल इलेक्ट्रॉन के निकलने से केटायन होता है धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति धातु में क्या होता है ना जो मेटल होता है वो क्या करता है आपको पता होगा मेटल क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का उसको प्रकृति होता है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वहीं पे अगर नॉन मेटल का बात करेंगे हम लोग नॉन मेटल तो नॉन मेटल क्या करेगा वो आपको गेन करता है वो है। मतलब उसको क्या होता है ना ग्रहण करने की प्रकृति होता है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब प्रतिवर्ती क्रिया जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है प्रतिवर्ती क्रिया होता है वो स्पाइनल कोड की वजह से होता है स्पाइनल कोड उसको मतलब हैंडल है। करता है परम शून्य ताप पर गति ऊर्जा शून्य हो जाती है बीबीआई क्वेश्चन है ये आपको बीपीएससी टीआरी में भी पूछा गया परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य हो जाती है फलीदार पौधा का जो है आपको एक मटर एग्जाम्पल है ये भी याद रखेगा वहीं पे बात करते हैं स्टेफर का जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं इसका मात्रक क्या होता है ये आप बस नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा इनवार एक पदार्थ है जिससे क्वेश्चन बनता है तो आपको ये याद रखना है इनवार नाम है उसका पदार्थ का ठीक है ये सब कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछता है तो इनवार की प्रत्याश्ता ताप के साथ क्या होता है निर्भर नहीं करता ताप पर निर्भर नहीं करता है जो ताप होता है उस पर निर्भर नहीं करता याद रखिएगा अच्छा इसका गुणांक प्रसार गुणांक क्या होता है ज़ीरो होता है ताप बढ़ाने या घटाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा किस पर इनवार पर इनवार एक पदार्थ है उसको ताप इस पर ज़्यादा ज़्यादा ज्यादा मात्रा में ना निकल होता है इसलिए देखिएगा बहुत जो छोटा छोटा जो जैसे मेजरमेंट होता है जो नापा जाता है स्केल वगैरह होता है उसको उसको ना ज़्यादातर इनवार पदार्थ से बनाया जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी हो ठंडी हो तो उसका फिर जो है ना साइज़ चेंज हो सकता है इसीलिए इसका ताप पे टेम्परेचर के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है पीतल ब्रास किसका है आपको कॉपर और जिंक का है याद रखिएगा खासा कॉपर और एसन से मिलकर बना है पौधों में लचीलापन किसके वजह से आता है कॉलिन कायमा हम लोग वीडियो का स्टार्टिंग में ही देखे थे कॉलिन कायमा कैसे याद रखिएगा कॉले डोले कॉले डोलेन करके याद रख सकते हैं डोले मतलब कि लचीलापन आ जाता है इसमें ये सरल अस्थाई होता है ठीक है उसके बाद एक आपको याद रखना है हार्मोन सोमाटोस्टेटिन सोमाटो हार्मोन जो क्या करता है पैनक्रियास के डेल्टा सेल से निकलता है तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा सोमा सोमाटोसटिन कहां से निकलता है तो पैनक्रिया से निकलता है ठीक है पैनकियास के डेल्टा सेल से निकलता है एम द्रव्यमान का ये गोले का प्लेन वे क्या होगा तो रूट अंडर टू जी एम ये हो जाएगा आर डोडा बेटा जो पहाड़ी है नीलगिरी का पर्वत पे है ये कहां पर है तमिलनाडु में है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जाम में ठीक है नीलगिरी अगर हम लोग पेनिनसुला सोला का बात करते हैं जैसे ये मान लीजिए इंडिया बना देते हैं ये पेनिनसुला सोल्ला यहाँ पर थोड़ा सा श्रीलंका है और ये वाला यहाँ पे देखिए गोवा है ठीक है ये इस तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे से गुजरात बना दे तो ये गुजरात है और ये गोवा है इस तट को क्या बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं और ये वाला तट को क्या बोलते हैं इसको हम लोग मालावार तट बोलते हैं ठीक है, है? मालावार तट और ये पश्चिमी घाट है इधर आपको मिलेगा क्या अरब सागर और इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी ये वाला जो तट है ये उसको ये तमिलनाडु इधर

अدرس 172 तक अच्छा बंगाल से एक और क्वेश्चन पूछता है आपको बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन तो कब हुआ था बंगाल विभाजन कमेंट करके आप बताइएगा भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 से किया गया था ठीक है भारत सचिव पद की शुरुआत कब किया गया था तो भारत शासन अधिनियम 1858 से किया गया था अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे अगस्त प्रस्ताव कब आया था 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में वेवेल योजना 1945 में भारत में कोलकाता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था अठारह में किया गया था भारत सेवक मंडल जिसको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था शिक्षा का अधिनियम 2009 में आया था याद रखिएगा रखिये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से शिक्षा का अधिनियम 2009 में आया था छियासवी संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था और आर्टिकल इक्कीस में है इक्कीस में और सिंपल आर्टिकल इक्कीस क्या करता है आपको स्वतंत्रता देता है प्राणदायिक स्वतंत्रता सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था सर्वोदय योजना एक ये वाला अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं ना तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि आपको टेम्परेचर से रिलेटेड जो चेंज करने के लिए पूछता है सी बाई फाइव याद रखिएगा एफ माइनस थर्टी टू यहाँ पे हो जाएगा नाइन अगर के माइनस दो सौ तिहत्तर यहाँ पे हो जाएगा फाइव उसके बाद यहाँ पे आर बाई फोर जैसे मान लीजिए सी का वैल्यू दिया रहेगा तो आप इस दोनों का रिलेशन से

ठीक गुप, गुप तो है गुप्त जिसको बोलते हैं हैं उसको से दिखाते है, इसका आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डेंसिटी वही रो का बात करें ऊपर तो जाएगा मास नीचे जाएगा वॉल्यूम ऊन उद्योग में एक रोग होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रोग शॉर्टस रोग होता है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा ठीक है, है।, है, तो है, है, है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज आपसे पूछा जाता है तो पैंतीस डिग्री सेल्सियस से बयालीस डिग्री से सेल्सियस होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का पूछेगा तो दस डिग्री सेल्सियस से एक डिग्री से सेल्सियस होता है ठीक है ये वाला क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है चलिए अब अगर वहीं पे बात करें कॉपर सल्फेट तो ये नीलात होता होता है इसका याद रखिएगा सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट नीलाथ होता है इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का ये पृष्ठ तनाव का है याद रखिएगा बुलबुले के निर्माण के कारण क्या होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है ठीक है पानी का जो बुलबुला का होता है क्रांतिक ताप आपसे पूछेगा एग्जाम में क्रांतिक ताप तो तीन डिग्री सेल्सियस याद रखना है बसिंधा नारियल का खाने वाला भाग एंडो होता है जिसको हम लोग अनंत बीजी बोलते हैं अनंत बीज आम का खाने वाला भाग को मेसोकॉप बोलते हैं ठीक है मेसोकॉप अच्छा नौसादर होता है एन एच फोर सी एल ये नौसादर का फॉर्मूला है आपको बस इतना याद रखेगा एग्जाम में पूछेगा ठीक है लिफ्ट दौरान के साथ जब नीचे जाता है तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कैसा होता है वास्तविक भार से कम होता है जब जो लिफ्ट है ठीक है जब लिफ्ट आपको जो है नीचे जा रहा है तोरण के साथ स्पीड से वास्तविक भार से कम भार फील होगा कम लगेगा भार वाटर गैस होता है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं वाटर गैस का होता है सीओ प्लस और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गैस का होता है सीओ प्लस एन टू एन टू बर्नोली प्रमेय किस सिद्धांत पे काम करती है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है एडवर्ड जेनर ने चेचक चेचर कटीके बनाया था जब बी एम डी परीक्षण किया जाता है ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है आपको बोन मिनरल डिजीज टेस्ट किया जाता है ऑस्टोप्रेसिस क्या होता है आपको आ, ये हड्डी से रिलेटेड है तो बी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना बोन मिनरल डिजीज टेस्ट सौरमंडल में उपग्रह की गति का जो नियम था इसको बोलते हैं हम लोग कोनिया संवेक संरक्षण का उदाहरण है एक सौरमंडल तो में ग्रहों की गति और किसने दिया था ग्रहों की गति का नियम तो केपलर ने दिया था कौन दिया था तो केपलर ने दिया था याद रखिएगा एकल आवर्ती की आवाज इसको टोन बोलते हैं हम लोग एसबे एसबेस्टोस तो ये फेफड़े की एक बीमारी है ठीक है एस बे क्या है फेफड़े का बीमारी है डीएनए की खोज किसने किया था फेडरिक मिश्र ने किया था डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था अच्छा जेनेटिक खोज ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड का कोड का खोज किसने किया था तो हरविंद खुराना ने किया था हर, हर गोविंद खुराना ने किया था ठीक है ये याद देखिए कब किया था नाइनटीन सिक्सटी एट में किया था विद्युत अवगठन का नियम किसने दिया था तो फैराडे ने दिया था फैराडे कॉन्स्टेंट होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस पे स का नियम किस पे काम करता है तो ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है ठीक है अच्छा उषमा गति की नियम से भी क्वेश्चन बनता है तो आप बस ध्यान में रख लीजिए इसको गति की नियम क्या है जैसे कि आपको सब शून्यता सुने, नियम क्या बोलता है जीरो थलॉ ये बोलता आपको है आपको तापमान से रिलेटेड और जो फर्स्ट लो बोलता है ये ऊर्जा संरक्षण से बोलता है तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि उषमा गतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है तो आपको बताना ऊर्जा संरक्षण का बताता है सेकेंड लो इंट्रोथ्रॉफी बताता है थर्ड लो बताएगा कि आपको माइनस दो सौ तिहत्तर पॉइंट पंद्रह डिग्री सेल्सियस जिसको हम लोग जीरो कैलविन भी बोलते हैं इससे नीचे कोई ताप नहीं ये परम शून्य ताप है मतलब नीचे ताप है ये इससे नीचे नहीं हो सकता इसीलिए बोलता है ना केलविन कभी भी नेगेटिव में नहीं बताता है और इस पर जो है ना कोई भी पदार्थ का मोल क्या हो जाए ना गति का उसका गति शून्य हो जाएगा नहीं सब कुछ जम जाएगा एकदम स्थिर हो जाएगा जम जाएगा मतलब सोचिए तो जम जाएगा कोई मूवमेंट नहीं होगा उसमें एक एक उसका पदार्थ का जो मोल होता है ना वो भी मूवमेंट नहीं करता है ये वाला टेम्परेचर में याद रखिएगा उस बात का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ठीक है रणनीतिक धातु किसको बोलते हैं तो टाइटेनियम को बोलते हैं या जिप्सम 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 को को आपको ये होता है जिपसम। जिपसम जब हम लोग एक डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा जिसको हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है सी ओ एस ओ फोर हाफ एच टू ओ याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है चलिए एक लंगी पुष्प क्या होता है तो एग्जाम्पल सब देख लीजिए इसका एक लंगी पुष्प पू, एक लंगी पुष्प मत क्या होता है मक्का हो गया पपीता हो गया ककड़ी हो गया खीरा हो गया ये एग्जाम्पल है दुई लिंगी का पूछेंगे तो आपको सरसों गुलाब पिटूनिया पीटू, पीटू, बताना ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन करके बार बार पढ़िएगा अंडाशय फल में बदल जाता है बीजांड बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है समझ में आया खरीफ फसल जून से सितंबर ये सब हम लोग देख चुके हैं जायद ऋतु का देख लीजिए तरबूज खरबूज खीरे सब्जियां ये सब जायद ऋतु का होता है गेहूं का को जो खरपतवार क्या बथुआ है आपको पता होगा जो बथुआ गेहूं का खेत में ना बथुआ भी हो जाता है इसको बोलते हैं खरपतवार तो इसका जो है साइंटिफिक नेम है याद रखेगा ये होता है आपको थीनोपोडियम एल्बम थीनोपोडियम एल्बम याद रखेगा अतिसार सार मलेरिया किसके वजह से होता है तो प्रोटोजवा की वजह से होता है ठीक है प्रतिजैविक जिसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं तो कुछ इसका एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया टेट्रासाइक्लिन हो गया एरिथ्रोमाइसिन हो गया ये सब एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का एंथ्रेक्स क्या है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक जीवाणु रोग है एंथ्रेक्स। सहवाल जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है लेमिनेरिया क्लोरेला उसके बाद वल्वा पोरोफाइरा ये सब सहवाल का एग्जाम्पल है लुई पास्टर ने किनवन की खोज की थी अठारह में अठारह में फिफ्टी मतलब का टीका एडवर्ड जेनर ने 1798 में किया था 1798 में किया था कि ठीक है एडवर्ड ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अच्छा देखिए नाविकिया रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है ठीक है नाविकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है कौन नाविकिया रिएक्टर उसका यहाँ पे नियंत्रक छड़ कौन होता है तो किसको यूज करते हैं बोरोन हो गया कैडमियम हो गया ये सब नाविक नियंत्रक छड़ के जैसा काम करता है हल्दी अदरक प्रकंद ये सब क्या है राइजोम है ठीक है ये सब तना है ठीक है हल्दी हो गया अदरक हो गया प्याज हो गया तना है रखिएगा का काफी इंपॉर्टेंट है सेब हो, हो गया अंजीरा हो गया सेब लालीपन किस होता है एंथोसाइन की वजह से होता है हेर का क्लोन एक जिसका नाम था डॉली उसको पांच जुलाई उन्नीस में बनाया गया था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में बनाया गया था ठीक है यान साइंटिस्ट थे तो आपको याद रखना बस हेर का एक क्लोन थी डॉली जिसको कि पांच जुलाई उन्नीस सौ छियानवे को बनाया गया था स्कॉटलैंड में सेंट्रियोल क्या होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है सेंट्रियोल बस इतने याद रखना है सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है मसल्स प्रोटीन क्या है तो मायोसिन एंड एक्टिव एक्टिन प्रोटीन होता है मायोसिन इसे लिख दीजिए आप इसको मायो सॉरी मायोसिन और एक्टिन ठीक जो वाष्प वास्पो उत्सर्जन होता है जिस किसके द्वारा होता है रंध्र में होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं ठीक है स्टोमेटा बोलते हैं और गुटेशन के कारण पौधों द्वारा नष्ट होने वाला पानी 98 परसेंट है दोनों मिलाकर ठीक है गुटेशन क्या होता है ना जैसे कि मान लीजिए अगर हम हमें पे ऐसे पत्ता बना दे और इसका जो साइड साइड में जो निकलता है ना उसी को गुटेशन बोलते हैं साइड का कोर्स जो निकलता है उसी को हम लोग गुटेशन बोलते हैं और रंध्र से जो निकलता है पानी तो इसको हम लोग टोटल मिला के नाइन्टी निकल जाता है कवक की कोशिका भित्ती काइटिन की बनी होती है इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखिएगा हरे पौधे पेड़ पौधे की कोशिका वित्ती सेलोलेज की बनी होती है, है कृत्रिम मिठास के लिए हम लोग क्या या, या, यूज करते हैं एसपर टर्म एसपर यूज करते हैं हम लोग इसको सेक्रीन भी बोलते हैं ठीक है ठीके? सेक्रीन आइसक्रीम वगैरह में यूज करते हैं कृत्रिम मिठास के लिए उसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होता है नोवेल स्ट्रीम नोवे स्ट्रोल याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है एन ई नोवेस्ट्रियल ये एंटी फर्टिलिटी है जैसे कि मान लीजिए जो, जो फीमेल होती है ना तो उसको फर्टाइल नहीं होना है मतलब कि प्रेगनेंट नहीं होना है तब ये ड्रग्स लेगी तो नहीं होगा अनवांटेड सेवेंटी टू पील के जैसा ये कपाल जिसको हम लोग क्रैनियल बोलते हैं कि हड्डी का संख्या कितना होता है आठ होता है टोटल तो खोपड़ी में पूछेगा तो ट्वेंटी नाइन होता है ठीक है और अच्छी कंकाल कितना होता है अस्सी होता है कर्ण यानी कि कान में छः हड्डी होता है तीन तीन करके चेहरा में चौदह होता है और हायर में एक होता है अच्छा एक नैनोमीटर कितना होता है देखिए एक बार ये ग्रुप डी का एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया था एक नैनोमीटर कितना होता है तो आपको बताना है टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर सबसे न्यूनतम तापमान क्या होता है जीरो कैलोविन अभी जो हम लोग देखिए परम शून्य था पर इससे नीचे नहीं हो सकता है डी पहले टूटता था आर में फिर आर एन टूटेगा एमिनो एसिड में फिर वो टूटेगा आपको प्रोटीन में ठीक है ये सही प्रोसेस होता है बायोटीन विटामिन बी वन जो कि सल्फर हो, होता है बायोटीन जिसको बी वन बोलते हैं उसमें सल्फर होता है ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में पूछता है प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं राइबोसोम को बोलते हैं और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग देखे थे ना लाइसोसोम को क्या बोलते हैं लाइसोसोम को सोसाइड लाइसोसोसाइड तो सोसाइड बैग बोलते हैं की थैली देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइसोसोम प्लांट में नहीं होता ये याद रखिएगा फोटोकेमिकल स्मोक इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल एरिया ये तो पता ही होगा कैल्शियम पानी को कठोर बनाता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो कैल्सियम हम लोग पानी में क्यों मिलाते हैं तो ये पानी को कठोर बनाता है ब्लू बेबी रोग ये होता तो है आपको नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है ब्लू बेबी रोग जेनेटिक कोड का खोज हर हर गोविंद खुराना ने किया था उन्नीस सौ में अभी हम लोग देखे जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था उन्नीस में हर गोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का खोज करने के लिए अच्छा ए एन पी का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे ए एन एफ तो एट्रियल नेट्रियोट्रिक फैक्टर रक्तचाप को कम करता है याद रखिएगा ऑल हार्मोन मेड बाय प्रोटीन जो इतना भी हार्मोन है सभी प्रोटीन से बना होता है एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है याद रखिएगा अच्छा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है और साइटोसोल क्या है सेल के बिना साइटोप्लाज्म पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया था डीप ब्रोगली ने लगाया था लाइसोसोम बोलिए या सेंट्रोसोम बोलिए ये सब प्लांट में नहीं होगा याद रखिएगा एनिमल सेब में होगा ंतिक तापमान किसको बोलते हैं तीन सौ चौहत्तर पॉइंट बहत्तर तीन सौ चौहत्तर पॉइंट वन टू डिग्री सेल्सियस को बीच का बाहरी एवरेन कठोर होता है क्योंकि इसमें लिग्निन की वजह से होता है आर हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस आर मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पता होगा आर का आरओ पानी यू होता है ना जो तो फिल्टर होता है तो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वसा हो गया घी हो गया तेल हो गया ये सब असंतृप्त है अनसेचुरेटेड होता है ठीक है इसका गलनांक बहुत निम्न होता है ग्लैंड इन ह्यूमन चार चार होता है याद रखिएगा ठीक है आरसिथिकी पिरामिड का विकास सबसे पहले किसने क्या दिया तो चार्ल्स एल्टन ने दिया चार्ल्स एल्टन उसके बाद देखा जाए तो गेलिडियम और ग्रेसियलियरिया का उपयोग अंगू अगर अगर में होता है अगर अगर क्या एक सहवाल है ठीक है याद रखिएगा अगर अगर में होता है प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में योगदान दिया मेलविक मेलविन मेलविन केलविन ने मेलविन केलविन ने ये सब डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अच्छा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपसे पूछता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में किसमें एंटीजन पाया जाता है किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले इसको देखिए लिखने का ट्रिक क्या है जैसे यहाँ पे एंटीजन लिख दिए और यहाँ पे आप मान लीजिए एंटीबॉडी लिख दीजिए ठीक है इसको देखने के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा उसके बाद आपको पता ए होगा बी होगा फिर ए बी होगा फिर यहाँ पे ओ होगा तो देखिए ए यहाँ होगा तो ये स्मॉल बी यहाँ होगा अगर कैपिटल कैपिटल बी होगा तो यहाँ पे स्मॉल ए होगा और यहाँ पे ए बी कैपिटल होगा तो यहां पे कुछ नहीं होगा और यहां पे कुछ नहीं होगा यहाँ ए एन बी होगा ये आप लिख दिए। अब देखिए एंटीजन किसमें गायब है तो एंटीजन ब्लड में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है बस ये याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। की हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सा है न्यूरो अच्छा, बॉन्ड के बारे में पूछेगा आपसे कि कौन बोंड सबसे ज्यादा जो होता है केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है तो आयोनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होगा उससे कम होगा कोबलेंट उससे कम होगा हाइड्रोजन उससे कम होगा ठीक है का डीएनए की डीएनए संरचना की फिफ्टी थ्री में वाटसन एंड ट्रिक ने दिया था जिंक सल्फाइड चूहा मारने की दवा है याद रखिएगा जिंक सल्फाइड और ये वाला जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना ये आपको सिलता अविकेरियाशीलता वर्साता है कि सबसे ज्यादा कौन अविकेरियाशीलता है रिएक्शन दिखाता है सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम उससे कम होता है सोडियम उससे कम होता है कैल्शियम उससे कम होता है मैग्नेशियम उससे कम होता है अल्मोनियम उससे कम होता है आपको जिंक ठीक है जिंक उससे कम होगा आपको एफ यानी कि आयरन उससे कम होगा पी यानी कि सीसा उससे कम होगा कॉफर उससे कम होगा एच फिर उससे कम होगा आपको ए और सबसे कम होगा ए यानी कि जिसको हम लोग ऑरम यानी कि सोना हैं ये गोल्ड हो गया तो देखते होंगे गोल्ड वगैरह हो गया सिल्वर वगैरह हो गया ये सब जो है ना रिएक्शन नहीं करता अभिक्रिया नहीं करता है इसीलिए हम लोग इस ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज़्यादा है पोटेशियम सोडियम ये सब क्या करता है ना ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है इसीलिए सबको मिट्टी तेल में यानी कि किरोशिन तेल में लोग ये सबको डुबा के रखते हैं क्योंकि अगर ऐसे बाहर में रखा जाए ना पानी के साथ तो ये सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार कौन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंजाइम एंजाइम लैक्टेज एंजाएं प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है ठीक है डिजीज आपको नर्व का रोग है याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट ये हाथ पैर इसमें काफने लगता है गर्भ नाल जिसको हम लोग मानव नाल या प्लेसेंटा ही बोलते हैं ये आपको कोरियन कोरियन कोशिका का बना होता है जिससे खाना मिलता है ना घर में जो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है तो प्लासेंटा के थ्रू इसको खाना वगैरह मिलता है लिहा के साइनस भरे होते हैं तो रक्त से भरे होते हैं ठीक है ब्लड डोनेशन ये आपको ट्रांसफ्यूजन होता है एडीएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जल अवशोषण ये बढ़ाता है ठीक है जल अवशोषण बढ़ाता, बढ़ाता है ये। एक मोल कितना होता है तो एक मोल आपको होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री परमाणु पराणु ये आप देख लीजिए ये लिख लीजिए सब नोट डाउन कर लीजिए स्वसोजक बंधक अधातु और अधातु के बीच होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है इसमें ठीक है स्वसंयोजक बंधक अधातु और अधातु के बीच में होता है। हिपेरिन, glycosia. Glycosia, हिपेरिन तो सबको पता होगा लेकिन ये इसका साइंटिफिक नेम है ये नहीं पता होगा तो एग्जाम में आपको ये वाला दे देगा ये इससे कंफ्यूज हो जाएगा हिपेरिन क्या करता है हिपेरिन के कारण जो है ना शरीर के अंदर हम लोग का शरीर के अंदर जो ब्लड है वो क्लोट नहीं करता वो जमता नहीं है तो उसको कौन शरीर के अंदर ब्लड जमने से कौन रोकता है तो हिपेरिन ही रोकता है अच्छा ये कुछ स्टैटिक देख लीजिए बिहार से बंगाल कब मतलब आजाद मतलब बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था मतलब बंगाल से आप बोल सकते हैं बंगाल से बिहार कब हुआ था तो ये हुआ था बाईस मार्च उन्नीस को फिर बिहार से आपको उड़ीसा अलग हुआ था ये आपको एक अप्रैल उन्नीस सौ छत्तीस को बिहार से झारखंड का वो अलग हुआ तो बारह नौम, पंद्रह नवंबर दो हजार को चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में जो कि उन्नीस सौ सत्रह में हुआ था असहयोग आंदोलन एक अगस्त उन्नीस सौ बीस को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन आठ अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को हुआ था स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था श्री कृष्ण सिंह ने किया था चंपारण में सत्याग्रह इंडिया डिवाइडेड ठीक है चंपारण में सत्याग्रह इंडिया डिवाइडेड बापू के कदमों में आत्मकथा ये सब किसने लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है राजेंद्र प्रसाद का जन्म तीन दिसंबर अठारह में सिवान जिले में हुआ था ये आपको पता ही होगा राजेंद्र प्रसाद कौन है अभी आपको ऐसा बोला गया बिहार सरकार ने अनाउंस किया कि दो में तैतालीस और अभी आपको पता होगा एक मीटर ऊंचा किसका है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का खैरा रोग धान में होता है पोलियो जो वैक्सीन का अगर आविष्कार कौन किया था तो जे सोल्व ने किया था अगर ड्रॉप के बारे में पूछेगा तो साबिन बताना है काली खांसी इलाज कैसे करते हैं डी पी टी वैक्सीन के द्वारा डी से आपको डिपथेरिया हो गया पी से हो गया पर्टूसिस ठीक है पटुसिस याद रखिएगा काली खांसी को ही इंग्लिश में पटुसिस बोलते हैं अच्छा बिहार को देख लीजिए एक नज़र में अच्छा ये याद रखिएगा एक हजार वार्ड कितना होता है ये यहाँ या, या, एग्जाम में पूछता है एक हजार वार्ड कितना होता है तो वन पॉइंट थ्री फोर वन अश्व शक्ति होता है यानी कि हॉर्स पावर बोल सकते हैं आप अश्व शक्ति ठीक है एक एचपी कितना होता है यानी कि हॉर्स पावर तो सात सौ छियालीस वॉट होता है ठीक है ये ये सब जो है ना स्टैटिक पॉइंट है ये डायरेक्ट याद रखेगा एग्जाम में पूछता है अच्छा हो गया देशांतर हो गया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो शिवहर शिवहर एक, एक ऐसा जिला है बिहार का जो नेपाल से बाउंड्री साझा नहीं करता है रोहतास जो है वो आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश का बाउंड्री शेयर करता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है चौरानवे किलोमीटर है भारत का 2.86 परसेंट है और अगर आपको एरिया पूछेगा तो ट्वेल्थ पोजीशन पे आता है पूरे भारत में और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो भारत का वो 8.6 परसेंट आबादी है, है और तीसरा नंबर पे आता है तीसरा नंबर पे आता है ठीक है समुद्र से ऊंचाई कितना एक सौ फीट है लंबाई इसका तीन है चौड़ाई चार है पूर्व से पश्चिम जिला इसमें अड़तीस है अनुमंडल एक है प्रखंड पाँच है परमंडल नौ है जठर रस कहाँ से निकलता है तो हम लोग को पता है कि अमाशय से निकलता है स्टोमक से निकलता है जठर रस स्टोमक से जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं इसमें क्या क्या रहता है एससीएल म्यूकस सलेशमा तथा तो पेप्सिजोन पेप्सिनोजेन रहता है एससीएल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है पेप्सिन प्रोटीन क्या करता है पे, पेप्टीन में बदलता है पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है ठीक है दर्द निवारक दवाई याद रखिएगा मॉर्फिन मॉर्फिन क्या है दर्द निवारक दवाई है क्या एक भांग भांग से से बना बना हुआ हुआ दवाई है मतलब भांग से बना हुआ चीज़ है है मतलब मतलब चीज़ कितना होता ऑफ़ mm मतलब पारा दिखाते हैं याद रखिएगा ये विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार के साथ श्रेणी कम में जोड़ते हैं बीवीआई क्वेश्चन है एमसीबी का फुल क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मूर्खों का सोना किसको बोलते हैं आयरन पायराइट को बाइल जूस पता है आपको यकृत से निकलता है लीवर से निकलता है यकृत से निकलता है और यह छाड़िय बनाता है बाइल जूस एक स्टोर कहाँ होता है गोल ब्लाडर में स्टोर होता है और आपको पता होगा कि यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथी है प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है स्टोमक में स्टार्ट होता है अच्छा लिगामेंट हम लोग देख चुके हैं बोन टू बोन टेंडन क्या करता है बोन टू मसल एक जो होता है ऑक्सीकरण जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं एक होता है अपकरण जिसको इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कब होता है उसमें जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ता है हाइड्रोजन घटता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ठीक है ये ऑक्सीकरण और कब होगा जब ऑक्सीजन का कमी होगा हाइड्रोजन का वृद्धि होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ये तीनों में से एक भी चीज हुआ तो अपकरण होगा ये तीनों में से एक भी चीज हुआ तो ऑक्सीकरण होगा अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको रेडॉक्स बोलते हैं ठीक है ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप चाहे तो ओथ्री लेयर जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओथ्री लेयर किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है ओजन तो लेयर से ये हो गया था तो 16 सितंबर को हम लोग बनाते भी है ओजन लेयर का उन्नीस में इसका मतलब ये किया गया था चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसका यूनिट क्या है वेवर ठीक डब्ल्यू बी सी दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का आपको टेस्ला होता है प्रेक जिसको हमको इंडक्शन बोलते हैं इसको हेनरी होता है ठीक है रेट डी वटिवरेट याद रखिएगा डीएनए माइक्रोकॉन्ड या प्लास्टिक नाविक में पाया जाता है प्रोटीन का निर्माण करता है दर्पण को एजी एनओ थ्री यानी कि सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट से रंगते हैं वी क्वेश्चन है बीसीजी क्या होता है तपेदिक टीबी बैक्टीरियास होता है ट्रिपल वैक्सीन क्या होता है डीपीटी जिसको हम लोग डिप्थेरिया भी बोलते हैं जिसका इलाज खा, खाली खांसी के लिए भी किया जाता है ठीक है ठीक है वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं बाकी किसी भी तरह का डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछेगा और ये सारे क्वेश्चन अगर आप यहां तक देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये इन एग्जाम में आते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा इसका पार्ट टू भी अगर लेके आए और भी सारे नोट्स इंपॉर्टेंट हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका पार्ट टू भी बहुत जल्दी आ जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गॉड ब्लेस यू ऑल